हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज़ रसोई एट जियाज़ आर्टिस्टी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्रियन भरवा बैंगन की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं हरे रंग के बैंगन और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसमें जो हमने चीरा लगा देना है क्योंकि भरवा बैंगन हम बनाने वाले हैं। और इस तरह से चीरा लगाएंगे कि बैंगन का जो डंठल है वो अलग ना हो, और ये बैंगन का जो कलर है वो आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये काफ़ी दिन से मैंने जो है लाकर रखे हुए थे कि जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे आज ही टाइम मिला तो मैंने सोचा चलिए जल्दी से रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन, और बेसन को जो है हम छान कर यूज़ करेंगे। 250 ग्राम बैंगन के लिए हम यहाँ पर 4 चम्मच बेसन ले रहे हैं, 2 प्याज और 3 टमाटर, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, और यहाँ पर ले रहे हैं हम 4 हरी मिर्च। प्याज को जो है हमने पीस के पेस्ट बनाना है, और टमाटर की जो है प्यूरी बनाएंगे, और इस बैंगन के लिए हमने अलग सा मसाला बनाना है। तो उस मसाले के लिए हमें चाहिए मूंगफली, और मूंगफली जो है फ्रेंड्स हम कच्ची नहीं डालेंगे। और तो मैंने इसको कढ़ाई में जो हल्का सा रोस्ट कर लिया था ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो मैं पास से दिखाती हूँ आपको। और साथ ही में हमने लेंगे यहाँ पर नारियल, नारियल जो है वो कद्दूकस किया हुआ है, सूखा नारियल है ये। और साथ में हम ले रहे हैं 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच हम लेंगे चाट मसाला। तो देखिए यहाँ पर इस सारी चीज़ों से जो है हम मसाला बनाएंगे। और अगर आपके पास नारियल नहीं है कद्दूकस किया हुआ तो आप जो, लेकिन जो भी आप नारियल लेंगे सूखा नारियल लेंगे, जो पानी वाला नारियल होता है वो हमने नहीं लेना है, सूखा नारियल लेंगे और उसके छोटे पीसेस कर लेंगे अगर आपके पास कद्दूकस नहीं किया हुआ नहीं है तो। मेरे पास था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और इसको पीस कर हल्का सा पानी डालकर एक स्मूथ पेस्ट बनाना है हमने। और अब हमने कढ़ाई जो है हमारी गर्म हो गई है, तो सबसे पहले हम बैंगन के अंदर जो मसाला भरेंगे वो हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसन को जो है हमने हल्का सा गर्म कढ़ाई में जो है सेकेंगे, और यहाँ पर देखिए धीमी आंच पे हमने करना है ये, ताकि जो बेसन है वो जले नहीं, क्योंकि बेसन जो है वो एकदम से जल जाता है। तो धीमी आंच पर ही जो है हमने इसको करना है। तो देखिए साइड से इसको चम्मच से अच्छे से चला देते हैं। तो सूखा मसाला हम यहाँ पर बना रहे हैं बैंगन में भरने के लिए। और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मसाले। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, और नमक जो है वो हमारे स्वाद के अनुसार रहेगा, कम या ज़्यादा, और थोड़ा सा यहाँ पे हम डाल रहे हैं चाट मसाला। अब इन सारी चीज़ों को मिला देते हैं और गैस की आंच जो है वो हम बंद कर देंगे क्योंकि कढ़ाई जो है वो काफ़ी गर्म है तो हमारा मसाला जल सकता है, तो इसलिए हमने गैस को करना है बंद। और चम्मच से जो है सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। तो देखिए बैंगन में भरने के लिए जो है ड्राई मसाला है वो हमारा तैयार हो गया है, और इस मसाले को जो है बैंगन में जो हमने चीरा लगा के बैंगन रखे हैं उसके अंदर हम इसको भरेंगे। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा ठंडा हो गया है, मैंने इसको एक अलग बर्तन में निकाल लिया था, और यहाँ पर जो है बैंगन के अंदर ये वाला मसाला हमने भरना है अच्छे से। तो देखिए मसाला डाल के ही बैंगन कुछ इस तरह से दिखेंगे, और जितना मसाला मैंने बनाया था वो सारा इसमें डाल दिया है हमने, और जो नीचे प्लेट में गिरा है वो मसाला भी हम जब सब्ज़ी बनाएंगे तो उसी में डाल देंगे। तो अब मैं इसको जो फ्रेंड्स मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में जो बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी ये। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल पसंद नहीं है सरसों का तेल, तो आप अपने खाने में जो ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। और जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म होता है तो उसमें हम ज़ीरा और एक तेज़पत्ता डालेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ डाल देना है प्याज। और प्याज को जो है देखिए अभी प्याज में हल्का सा पानी है, तो प्याज का जो पानी है वो सूखने तक जो है प्याज को हम फ्राई करेंगे यहाँ पर, तेज़ आंच पे ही करेंगे क्योंकि अभी इसमें काफ़ी पानी है। तो देखिए प्याज का जो पानी है वो अच्छे से सूख गया है, और जो प्याज का कलर है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर ऐड करना है हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैं यहाँ पर लूँगी 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये घर पर ही बनाया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है,
मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर स्टोर कर लेती हूँ, तो जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो टाइम भी सेव होता है और जो उसका टेस्ट होता है, जो घर का पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है, उससे बहुत ही अच्छी जो खाने में अरोमा आती है, जो खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी आती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सारी लहसुन अदरक और प्याज को हमने अच्छे से मिला दिया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने मसाला पीसा था। तो देखिए फ्रेंड्स, नारियल, मूंगफली और जो सूखे मसाले थे उससे हमने ये पेस्ट बनाया है। और अब इस पेस्ट को हम प्याज में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिला देते हैं और अब कम से कम एक मिनट तक हम इसको ऐसे ही मिलाएंगे, करछी को चलाएंगे ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं। तो देखिए हल्का हल्का इसमें बॉईल आने लगा है। तो अब हम गैस की आंच को जो है वो कम कर देते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी था वो सूख गया है मसाले का। और अब हमने यहाँ पर ऐड करने हैं टमाटर की प्यूरी, अब हम वो इसमें डाल देते हैं। इसको भी अच्छे से मिला देते हैं और अब इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला जो है वो तेल ना छोड़ने लग जाए, कढ़ाई का जो साइड है वो ना छोड़ने लग जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। तो मैं तो इसकी इतनी ही जो ग्रेवी है वो इतनी थिक ही रखने वाली हूँ, उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं बनाएंगे। अब इसको कवर कर देते हैं और धीमी आंच पे जो है हमारी ग्रेवी पक रही है, तब तक हम बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, उसको हल्के से ऑयल से जो है ग्रीस कर लिया है और उस पर हम डाल देंगे बैंगन। और बैंगन को जो है हमने हल्का सा सेकना है इस पर। मैं इसको कढ़ाई में इसलिए नहीं सेक रही हूँ क्योंकि अगर हम कढ़ाई में डालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगेगा और ये बैंगन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं इसको नॉनस्टिक तवे पे सेक रही हूँ ताकि जो है कम तेल में हमारे बैंगन जो है वो अच्छे से सिक जाएँ। और दोनों साइड से जो है हमने बैंगन को सेकना है धीमी आँच पर, तेज़ आँच पर नहीं करेंगे वरना ये बैंगन जो है जल जाएंगे। तो हमने धीमी आँच पर जो है बैंगन को सेकना है, हल्का सा दबा देते हैं ताकि अंदर भी जो है इसकी हीट चली जाए और ये अंदर से भी हल्के हल्के पक जाएं। तो इसको पलट देती हूँ, ये देखिए एक साइड से पक गया है ये, तो हम इसको पलट कर दूसरी साइड भी इसकी पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैंगन जो है हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तवे पे, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और अब हम अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं हमारी ग्रेवी जो है उसका कलर कैसा आया है। इसका ढक्कन जो है फ्रेंड्स बहुत गर्म हो रहा है, तो आराम से हटाइएगा आप लोग भी। तो यहाँ पर देखिए ग्रेवी जो है हमारी बन गई है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, बारीक चॉप करनी है हरी मिर्च को, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया हम यहाँ पर डालेंगे क्योंकि थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए बाद के लिए भी रखेंगे, प्लेटिंग के लिए। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है धनिया और अब हम यहाँ पर आराम से जो है पकड़ के एक एक बैंगन को उठाकर जो है ग्रेवी में मिला देंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी का जो हमारा कलर है बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है और बैंगन डाल के तो सब्ज़ी और भी अच्छी लग रही है। तो इसको डाल देते हैं और अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, हल्का सा फ्रेश हरा धनिया हम ऊपर से भी डाल देते हैं। वाओ, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अब ग्रेवी और बैंगन को जो हम मिला देते हैं ताकि बैंगन जो है वो अच्छे से और पक जाए। और फ्रेंड्स अभी हमने इसको कवर करके सिर्फ 5 मिनट हम और पकाएंगे धीमी आंच पर ताकि बैंगन के अंदर जो है वो ग्रेवी का मसाला जो है वो चला जाए। सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है क्योंकि हमने तवे पर जो है बैंगन ऑलरेडी पका लिया है, तो सिर्फ मसाला पकाने तक ही हमने इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स हमारी जो डिश है आज की वो तैयार है, महाराष्ट्रियन भरवा बैंगन। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कुछ अलग सा बनाने की मैंने कोशिश की है, हमेशा करती हूँ। जहाँ की कोई भी डिश फेमस होती है मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ ज़रूर वो रेसिपी शेयर करूँ, आप लोगों को भी पसंद आती है वो। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी और जो स्पेशली जो उसकी ग्रेवी है फ्रेंड्स, वो ग्रेवी तो बहुत ही यमी थी और बहुत ही उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही यूनिक था। और आप चाहें तो इसको पराठे के साथ सर्व कीजिए, पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, तो बहुत ही
बढ़िया है, मुझे तो बहुत पसंद आई है ये सब्जी। आई होप आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आप लोग जब बनाएं तो मेरे साथ जो है आप फ़ोटो शेयर कर सकते हैं अपनी रेसिपी की, भरवा बैंगन की। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है सब्ज़ी, और मैंने जो है इसको पराठे के साथ ही सर्व करने वाली हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से जो है पराठे बना लूँ और सब्ज़ी को टेस्ट करूँ कि कैसी बनी है। तो देखिए बहुत ही मतलब टेस्ट मैंने इसकी ग्रेवी कर ली है, बट मुझे लगता है कि मुझे इसको पराठे के साथ भी टेस्ट करना चाहिए। और यकीन मानिए इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि ग्रेवी ही इसकी इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत रिच ग्रेवी इसकी लग रही थी। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है। मस्टर्ड ऑयल जो है वो अच्छा होता है सेहत के लिए, और तवे पे भी हमने हल्का सा ऑयल डाला था। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए।